सब्सक्राइब करें रिया ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रिया ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में ड्रेस कुर्ती पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने पैंट के लिए 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है, तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से ऊपर की तरफ हमें 1 इंच पे मार्क करना है, इस तरह 1 इंच नीचे मार्क करना है। और यहाँ से हम पैंट की लेंथ लेंगे। हमारी लेंथ है 38 इंचेस, इस तरह मार्क करेंगे। और 2 इंचेस नीचे हम मार्क करेंगे फोल्डिंग के लिए। यह हमारा फोल्डिंग एरिया। फोल्डिंग एरिया से आउटसाइड हमें कमर की ब्रॉडनेस लेनी है, जो हमने लिया है 10 इंचेस। और यहाँ से हमें नीचे की तरफ हिप्स की लेंथ लेनी है, जो हमने लिया है 12.5 इंचेस। और इसकी ब्रॉडनेस भी हमें लेनी है 10 इंचेस। इस तरह लाइन ड्रॉ करके हम बॉक्स बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पे हम हिप्स की ब्रॉडनेस लेनी है, आप अपने मेजर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 12 इंचेस। यहाँ से हम 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह। और मोरी की ब्रॉडनेस हमने लिया है 7 इंचेस। मोरी की ब्रॉडनेस हमने लिया है 7 इंचेस। और यहाँ पे भी हम 7 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम घुटने तक की लेंथ लेंगे, जो हमारी है 21 इंचेस। और इसकी ब्रॉडनेस हम लेंगे 10 इंचेस। अब सभी पॉइंट्स को मिला तो है हमें इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे कॉर्नर में से हम ऊपर की तरफ 1.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। और इसे इस तरह राउंड शेप देना है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों पार्ट्स को इस तरह कट कर लिया है। यह है फोल्डिंग एरिया जो साइड में आएगा। इसे भी हम दोनों पार्ट्स को कट कर लेंगे सेंटर में से। तो इस तरह हमें 4 लेयर्स मिलेंगे। अब दोनों पार्ट्स के इस तरह किनारी को मिलाते हुए हमें अटैच करना है, जो हमने पहले कट किया था उससे हमें इससे अटैच करना है। इसी तरह दूसरे पार्ट को भी हमें अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इस तरह सिलाई लगा दी है।
अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे दोनों पार्ट को। अब सेंटर में हम राइट साइड सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट में इस तरह सिलाई लगा दी है। अब दोनों किनारी को हम मिलाएंगे। वन साइड हम दोनों किनारी को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने एक तरफ सिलाई लगा दी है। अब दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब उसके नीचे हमें थोड़ा गैप रखना है और फिर से इस तरह लाइन करेंगे। अब लाइनिंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने इस तरह सिलाई लगा दी है। तो ये देखिए हमने इस तरह सेंटर में होल रखा है। अब बचे हुए कपड़े का हम इस तरह रॉन्ग साइड फोल्ड करके अटैच कर लेंगे दोनों साइड। ये जो होल है हमने नाड़ी के रखा लिए रखा है। तो ये देखिए इस तरह हमने फोल्ड कर लिया है दोनों तरफ। अब ऊपर की तरफ से हमें 1 इंच फैब्रिक को रॉन्ग साइड फोल्ड करना है। इस तरह पूरे राउंड में फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। अब ये सिलाई वाला पोर्शन है वो साइड पे हम लेंगे इस तरह। अब पेंट की हमारी लेंथ है 38 इंचेस। जिस तरह हमने मार्क कर लिया है। अब बचा फैब्रिक है उसे हम रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करेंगे। तो सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने मुरी में इस तरह स्ट्रिप को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम पैंट की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ घुटने तक की लेंथ हमारी 21 इंचेस यहाँ पे हमने मार्क किया है। इसी तरह दूसरी तरफ भी हमें मार्क कर लेनी है। अब हम मोरी के ब्रॉडनेस लेंगे 5.5 इंचेस। और घुटने की ब्रॉडनेस हम लेंगे 8 इंचेस। इसी तरह दूसरी तरफ भी हमें मार्क कर लेना है। अब हम ड्रॉ कर लेंगे सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए। अब इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह सिलाई लगा के फिटिंग कर ली है। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे। अब हम राइट वाली किनारी नीचे की किनारी पे हम बटन अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का गैप रख के मार्क किया है। इसके साथ अटैच करने के लिए मैंने वुड का बटन लिया हुआ है। इसे हम
मोरी के ऊपर इस तरह हम अटैच कर लेंगे दोनों तरफ। तो ये देखिए हमने इस तरह बटन को अटैच कर लिया है। तो फाइनली हमने इस तरह लेडीज पैंट तैयार कर लिया है। इस पैंट को टॉप कुर्ती के साथ पहन सकते हैं। और इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस कुर्ती के साथ कॉम्बिनेशन करके पैंट को बनाया हुआ है। इस कुर्ती का वीडियो भी मैंने बनाया है, उसे देखने के लिए मेरी चैनल रिया ड्रेस मेकर में क्लिक करके कुर्ती का वीडियो देख सकते हैं। यदि यह डिज़ाइन आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।